हाय गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं बारात आ चुकी है और हम लोग ने जैसे मेरा व्लॉग यहीं पे एंड हुआ था और सब तैयारी हो गई है तो वही स्टार्ट हो रहा है उसका जैकेट मतलब तैयारी के लिए हम लोग मतलब वेलकम कर रहे हैं दूल्हा का। देखो सब बाराती आए हैं। सो पकड़ो, ये पकड़ ले, गंदी बात है। पकड़ी रहो उसको, चलो अंदर लेडीज, चलो चलो अंदर, अभी अंदर नहीं चलना लेडीज। ओ अच्छा, आएंगे गिर जाएगा। कितना भीड़ आया पकड़ने के लिए सबको, सब बच्चा देखो भी दूर दिखाएंगे, नहीं दिखा नहीं पाए। गिरा देगी ये मम्मी, यहाँ पे करेगी बनवाई। ये गिर जाओगी मम्मी, कहाँ गया तू, गिरा दी भाई। वो ML16 बाहर आ गया पे। मतलब मैं शादी थी तो लोग मांग रहे थे पैसे के लिए, इस चीज़ का गेट छोड़ा रसम तो उसके लिए हम लोग मांग रहे थे। और भी ये वही सब था और ये स्टार्टर्स देख लीजिएगा, इस कितना अच्छा चिली चिकन है। हाँ बेटा, कबाब ग्रीन चटनी इसमें दिया ही नहीं, सीख कबाब बहुत दिया हमने, चिल्ली वो क्या क्या है, पनीर टिक्का है और ये पता नहीं कौन सी चीज़ लोग खाओ, जगह भी नहीं, पनीर टिक्का भी था गाइस, इसको हटाओ, चिकन का भी था। तो यहाँ पे स्टेज पे दूल्हे के साथ अब बहुत सारे रस्म होते हैं, दूल्हा दुल्हन के साथ ये सब हो रहा है। खाना मैंने लिया था, काफ़ी टेस्टी था। दूल्हे का एंट्री हो चुका है और कुछ रस्म वगैरह हो रहा है। बच्चे को हटाओ प्लीज। तो ये डेजर्ट में गाजर का हलवा था, हो गया हमारा खाना पीना और ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ बारात का। आई होप आपको अच्छा लगा हो और मैं काफ़ी टायर्ड हो चुकी हूँ और मैंने पता नहीं अजीब सा लगा मम्मा, तो क्योंकि थकावट की वजह से पता है मेरा नींद भी पूरा नहीं हो रहा है, हम लोग जो ट्रैवल करके आए उसके वजह से आई थिंक, और थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा थकावट हो गया। अच्छा हुआ मैं रूम पे जल्दी आ गई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा, देखिए ये मुझे तंग कर रही है और इसने मुझे हमें बहुत तंग किया है। इसको लेके मैं बैठी रही, मम्मी इतना देर बैठी रही, फिर मैं बैठी रही, कि कभी बदमाशी इतना नहीं करती थी बट इस बार पता नहीं क्यों कर रही है। सो गाइज, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हाय गाइज, कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मतलब रिसेप्शन का डे है और आज हम लोग एडिशन ब्लू में स्टे हम लोग किए थे कल ही हम लोग, तो वही अभी सुबह नाश्ता है और 9:15 बज रहे हैं, 10 बजे तक लास्ट नाश्ता है, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं बस। मतलब फ्रेश हो गए हैं थोड़ा और उठे ही लेट, इसलिए जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है। अभी मम्मी लोग वॉशरूम में, ये भी यहाँ पे उठ गई है, हाय हाय गर्ल, ये भी नींद में इसलिए ऐसे कर रही है। और वेदर अच्छा हो रहा है, मतलब अंदर तो ठीक लग रहा है, वैसा ठंड नहीं है
बाहर का नहीं करता। और अभी आपको दिखाती हूँ बाहर का, देखिए यहाँ से व्यू। कितना अच्छा लग रहा है, वहाँ जब होगा नाश्ता जैसा होगा आपको दिखाते हैं। और बस यही चल रहा है, और रूम तो आप लोग ने देखा है एक मेरा बाथरूम था। सबका है बेटा, कॉमन है। मेरा बाथरूम वो थी अम्मा। मेरा बाथरूम था। सबका है बेटा, कॉमन है। मेरा बाथरूम वो थी। बैठे हुए कहाँ मम्मी? अच्छा, घर ही से लेना मैंने प्लेट व्लेट जो भी जूस फ्रूट्स है। देखो फ्रूट्स खाओ या ले लो। देखिए मेन्यू में क्या क्या है, फ्रूट्स हैं, पराठे हैं, कॉर्नफ्लेक्स मिल जाएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ का ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। मैं दिखाती हूँ, मैं खोल के नहीं दिखाती हूँ। आगे यहाँ पर देख लीजिए क्रोसॉन है, बनाना है। इधर दिखा दो, एक डिफरेंट टाइप केक्स है और डोनट्स है, आलू पर बना रहे थे पैसा। मैंने चाय वगैरह, यहाँ से जूसेस लगाई, उधर चाय वगैरह पता नहीं। देख सकते हैं हर कुछ अवेलेबल है, यहाँ पोहा है और अच्छा मतलब हर कुछ अवेलेबल मिलेगा यहाँ पे ब्रेकफास्ट में। जूसेस भी अलग अलग तरह के हैं, कॉफ़ी है, चाय था, ब्लैक कॉफ़ी मैंने मंगाया था, ये हमारे नाश्ता में मैंने कर दिया है। टाइम के लिए काफ़ी अच्छा कॉफ़ी अच्छा लोड हो रहा है। जी वीडियो कर रहे हैं आपका। मेरे कज़न जो हैं मामा की बेटी बड़ी वाली, उनके हस्बैंड हैं, बहुत इंटरटेनिंग इंसान हैं, बहुत ही मतलब फन लगेंगे। तो बता रही हूँ कैसे ब्लॉगिंग करना चाहिए। बोलिए बोलिए, आपका चैनल आएगा चैनल हाँ सब देखेंगे, आप भी चैनल खोल लीजिएगा। हाँ पता है शैला भी ये खूब कॉमेडी कर सकते हैं। अच्छा नहीं आ रहे थे आप बोलिए, देखो ना हम नहीं बोल रहे बताइए बताइए मोनू क्या बोलेगा कि देखिए मेरा मजाक उड़ा रही है एनम जाके क्या करेगा? कुछ नहीं बोलेंगे वो, उनको और हंसी ही लगेगा। हाँ देखिए अब चुप हो गए, कुछ बोल मोनू तुम्हारे जो शोहर है उनको ये कहना कि थोड़ा सा खुल के बोले कैमरा में। यस नाइस, ये पेंटिंग डेमोंस्ट्रेट करे अच्छा से बोलिए यानी नाइस। कुछ नहीं आप इनको भी बताइए, इनको भी ये भी तो खुल के नहीं बोलती शैला भी कभी अपने बोली मम्मी कैसे बोलती है बताइए तो मम्मी तू मम्मी बता रही हो डोसा कैसा इधर देखिए इधर इनको हेलो मम्मी इधर देखिए हाँ ठीक है
लाइक कीजिए सब्सक्राइब। लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए फॉलो कीजिए। बहुत अच्छा प्यार।